हमारी पूरी टीम, तनवीर भाई, वसीम भाई, नवीन खान साहब, आयाज भाई, आज हम लोग एक ऐसे स्पॉट पर आए हैं जो यहाँ का मौत का कुआं है, जिसने कितने नौजवानों की जान ली और कितने ऐसे लोग जिनका इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ पर वो अपनी जान खो बैठे हैं। कल एक नौजवान, अच्छी फैमिली का लड़का, इस खड्डे की वजह से जो पीडब्ल्यूडी ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, इस खड्डे की होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और वो नौजवान लड़का, उसने अपनी जान यहाँ पर खो दी। हमने यहाँ पर कंप्लेन करी है, अगर इस खड्डे को, मौत के कुएं को नहीं भरा गया तो हम पूरी टीम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, और इतना आंदोलन करेंगे कि यहाँ के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो या प्राइवेट हो या जिनको उन्होंने बाईपास किया हो, सबको ये काम करके देना होगा। मैं सरकार सवाल करना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी बगैर हेलमेट की जाता है, आप लोग फ़ोटो खींचते हैं, सरकार ऐसा कोई कानून बनाए, ऐसा कोई ऐप बनाए कि जहाँ पर खड्डा हो, लोग, आम पब्लिक, आम आवाम, आम जनता इस फोटो खींचकर उस ऐप पर अपलोड करें, और जो कॉन्ट्रैक्टर इस रोड को बना रहा है उसके फीस से उसको पेनल्टी मारी जाए और उसको सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग खड़े हैं महापा पुलिस चौकी के पास में। यहाँ पे चौकी है, उसके सामने एक रोड है जो मुमरा की तरफ जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ पे कार भी नहीं चल पाती है। यहाँ पे कल रात एक बच्चे का, जो अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका जगह पे डेथ हो गई। सामने के रोड पे भी ऐसे ही गड्ढा है, आप उधर पे बताइए ज़रा कैमरामैन, उधर भी ऐसे दोनों साइड में ऐसे गड्ढे हैं जिसको पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही है, क्योंकि पुलिस ने उनको कई सारे लेटर दिए हैं, बहुत सारे लेटर्स उनको पहुँचे हैं, इवन वर्बल कम्युनिकेशन भी हुआ है, लेकिन उसके ऊपर में कोई अभी तक के एक्शन नहीं हो पाई है। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द ये दोनों गड्ढों को भर के, और इसी तरह से जहाँ पर भी इसी तरह के गड्ढे हैं उनको भरकर उसको क्लीन किया जाए और इन हादसों से निजात पाई जाए। सामने आप देखते होंगे कि वहाँ पे रास्ता सुरक्षा अभियान का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके सामने ही कल एक रात को एक नौजवान की डेथ हो गई, ऐसे कई जवानों की डेथ हो रही है, इस चीज़ को हमको रोकना है। चाहे तो हम लोग, अगर ये रोड नहीं बने और ये इनका नहीं हुआ काम, तो हम लोग, हमारी पूरी टीम यहाँ पे आंदोलन करेगी, रास्ता रोको आंदोलन करेगी, और साथ ही हम लोग पीडब्ल्यूडी में शिकायत करेंगे, जो ऑफिसर यहाँ का इंचार्ज है उसके खिलाफ में, साथ में हम लोग और ऊपर तक जाएंगे। हम लोग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से भी मिलने वाले हैं, हमने अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से मुलाकात की है, साथ में हम लोग ने गृह निर्माण मंत्री से भी मुलाकात की है, अभी हम लोग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये जो रोड है इससे मैं डेली अप डाउन करता हूँ, और हमारे काफ़ी मुमरा के जो बच्चे हैं यहाँ से बाइक से आते जाते हैं, और कल रात में जो हादसा हुआ उसमें मैंने देखा कि एक इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, जो 2 से 4 महीनों से ये भरा नहीं गया है, और इस वजह से एक बच्चा जो है, एक यूथ मैं बोल सकता हूँ, जवान लड़का जो ऑफिस से घर जा रहा होगा, उसकी जगह पर ही मौत हो गई। इतना मुझे बुरा लगा कि किसी के माँ बाप उसका वेट कर रहे होंगे घर पे, और यहाँ पर रात में जो 1 से 1.25 के बीच में वो बच्चा यहाँ पर एक गड्ढे की वजह से मर गया। एक गड्ढा जो है, कितना टाइम लगता है इसको भरने के लिए, इनकी प्लीज लापरवाही। और सब में मज़े की बात ये है कि इसके सामने ही पुलिस स्टेशन है, और जब मैंने पुलिस से बात की तो मुझे कहा जा रहा है कि हमने पीडब्ल्यूडी को ऑलरेडी लेटर दिए है, और उसका एविडेंस मैं लेने वाला हूँ, हमारी टीम माशाल्लाह इंशाल्लाह इनसे लेगी एविडेंस कि इन्होंने सच में दिए है कि नहीं दिए है। पर बहुत अफसोस की बात है, एक पुलिस की बड़ी चौकी इतने सामने होने के बाद इतना बड़ा खड्डा, और वहाँ पर एक जवान लड़के की जान जाती है, और हम पूरी कोशिश करेंगे इसका जो भी इंचार्ज है उसके ऊपर FIR हो और ऐसी घटना आगे से नहीं हो कभी। शुक्रिया। मेरे साथ दीपक भाई है जो यहाँ के लोकल हैं और यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये खड्डा कितने दिन से, ये इसका बताएंगे, कितने दिन से ये खड्डा है यहाँ पर? 4 महीना हुआ। 4 महीने हुए, आपको लगता नहीं यहाँ पे खड्डा बन जाना चाहिए, एक पुलिस स्टेशन के सामने इतना बड़ा खड्डा, और कल जिस एक बच्चे की मौत हो गई उस वजह से, आपको ऐसा लगता नहीं कि बहुत टाइम ले रहे हैं बनाने के लिए? दो तीन बार तो मिट्टी डाल दिया था तो डबल काम चालू कर दिया था, अभी ऐसे ही खड्डा हो गया बारिश में। तो आपको रिक्शा चलाने दिक्कत नहीं होती यहाँ पर? बहुत होती है। ये आप देखेंगे कि हर इंसान को यहाँ पे, रिक्शा ड्राइवर है और जो भी हो, उन सबको यहाँ पर प्रॉब्लम है, पर ये जो लोग हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने इतना बड़ा खड्डा है, कोई सुनने को रेडी नहीं है। हम ये अपील कर रहे हैं और ये कहेंगे इंशाल्लाह, जैसे कि मैंने कहा था कि जो पीडब्ल्यूडी वाला जो यहाँ का इंचार्ज है उस पर हम FIR करके ही रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।